अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरफान यूनुस और आप देख रहे हैं जावा मास्टर सिस्टम टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में टेबल बनाने का तरीका सीखेंगे। अगर आज के बाद आपको टेबल बनाने की परेशानी आए तो मुझे कमेंट में बताना। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको परफेक्ट टेबल बनाने का और टेबल में काम करने का तरीका बता दूंगा और आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए किसी से पूछने की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अनलोन लोगों के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों, काम को शुरू करते हैं। टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आपके पास काफ़ी तरीके हैं। पहले भी मैं इस वीडियो में बता चुका हूं, जैसा कि यहां पे बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो एक रो सेलेक्ट हो जाएगी, दो अगर बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो रो हो जाएगी। जितने बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे उसके कॉलम और ये रो का तरीका है। एक तरीका तो ये है टेबल बनाने का, और दूसरा टेबल बनाने का तरीका और भी आसान है इसका। आप अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन जो है, प्लस के साइन को प्रेस करें और बाद में माइनस के निशान को सेलेक्ट करें। प्लस आपको बताता है कि ये कॉलम का जो ये फासला है, ये जो लाइन है, ये प्लस वहाँ पे लगा दें, और जितनी आपको कॉलम की विड्थ चाहिए उतने पे जाके आप प्लस का साइन लगा देंगे, और उसके बाद आप फिर माइनस का निशान लगाएं जितनी आपको चाहिए, और फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, और इस तरह आप इंटर का बटन बस प्रेस करें और ये टेबल बन के तैयार है। इसी तरह अगर आप टेबल बनाते हैं तो इसमें और कई तरीके हैं टेबल बनाने के। आप इंसर्ट टैब में जाएं और ड्रा टेबल पे जाके सेलेक्ट करें, तो ड्रा टेबल पे जाके सेलेक्ट करेंगे तो आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी टेबल, जिस तरह का मर्जी टेबल बना लें। इसमें जितनी रो चाहिए उतनी रो ले लें, जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम ले लें, और जितनी विड्थ आपको चाहिए उस हिसाब के साथ इसकी विड्थ बना रहे हैं। चलो दोस्तों, अब ये जो हमारे पास पेंसिल की निशान है इसको ख़त्म करने के लिए आप ड्रा पे क्लिक करेंगे। इसमें मैं कुछ आपको कोई रो जोड़नी होती है किसी वक़्त, तो आप अपने कर्सर को एंड वाले सेल में ले जाएं और सिर्फ टैब बटन प्रेस कर दें और एक रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर दरमियान में आपको किसी वक्त तो सेल की ज़रूरत पड़े कि रो लेने की, दो के नीचे एक रो ऐड करनी हो, तो सिंपली आप इस कर्सर को इस रो के बाहर ले जाएं और इंटर प्रेस कर दें और ये दो के नीचे आपको रो मिल जाएगी। इसी तरह आप किसी टेबल को जोड़ सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ डाटा इंटर करके तो आपको मज़ीद समझा देता हूँ। दोस्तों, ये हमारे पास टेबल है एक, हमने इस टेबल को बनाया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो है कोई रो यहाँ से टेबल को काटना है, अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे हैं, सिर्फ टैब का बटन दबाएं, अगली रो में जाएंगे और टैब का बटन दबाएं अगली रो पे, उससे अगली रो पे भी टैब का बटन दबाएं। अगर इसी तरह आपने पीछे जाना हो, पीछे की तरफ आना हो, तो शिफ्ट टैब दबाएं, पिछली रो पे आ जाएंगे। शिफ्ट टैब दबाएं और शिफ्ट के साथ टैब का बटन प्रेस करें, पिछली रो पे आ जाएंगे, पिछले सेल पे आ जाएंगे। और इसी तरह अब आपने अगर इस रो को, इसको जो है चाहते हैं कि मैं यहाँ से टेबल को काट दूँ और एक और टेबल बना दूँ, तो इसके लिए आपने Alt Shift का बटन प्रेस करना है और साथ एरो की गति दबाना, ठीक है। ये रो नीचे आ गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल एक नया बन जाए, एक नया टेबल में इसको बनाना है,
तो सबलेट करने का तरीका जो है आल्ट शिफ्ट के साथ, आप आल्ट शिफ्ट के साथ ड्रॉप डाउन एरो को जो है ना, और ये स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरह आपने काम करने के वक्त सोचा कि ये तो रो ये नहीं तोड़नी थी, ये तोड़नी थी तो ये तो मुझे ऊपरी ऊपर की रो के साथ चाहिए, तो इसके लिए भी आर शिफ्ट आल्ट के साथ आप की को दबा दें और ये ऊपर की रो के साथ फिट हो जाती है। ये सिंगल पेज है, ये सिंगल कॉलम है। अगर अगर टेबल बनता यहाँ पे, अगर इलाहदा टेबल होता तो यहाँ का आइकन यहाँ पे मौजूद होता, लेकिन नहीं, ये साथ फिट हो गई है। काम करते समय आपको चाहिए था कि ये जो रो है आप ऊपर के कहीं पे लगाना चाहते, तो फिर आपने क्या करना था, कॉपी करना था, कट करना था, पेस्ट करना था, तो टाइम ज़ाया होना। इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है, इसको यूज़ करते हुए, इस कमांड को यूज़ करते हुए आप इस रो को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। शिफ्ट के साथ आल्ट बटन को प्रेस कीजिए और सिंपली अप की को दबाएं और ये ऊपर चली गई। इसको और ऊपर करना है, फिर अप की दबाएं और ऊपर, ये देखें तीन नंबर वाली रो सबसे ऊपर जाके सेट हो गई है। अब अगर आप इस टेबल को दोबारा जोड़ना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए और आल्ट शिफ्ट के साथ अप की दबा दीजिए। अब पैरों की जो है उसको दबाएंगे, ये साथ फिट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से टेबल को तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ने जब किसी टेबल को तोड़ना हो, काटना हो, तो शिफ्ट कंट्रोल इंटर बटन दबाएं, जिस यहाँ पे आपका कर्सर है शिफ्ट कंट्रोल और इंटर प्रेस कर दें, ये टेबल वहाँ से टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अब अगर इसको जोड़ना चाहें तो भी उसी तरीके से, आप इस रो को अगर जोड़ना चाहें, सिर्फ इस रो को, एक रो को तो बाकी यहाँ पे रहे, तो इस पे कर्सर रखें और शिफ्ट आल्ट के साथ अप की दबा दें, शिफ्ट आल्ट के साथ अप की दबाएं और ये ऊपर की रो के साथ फिट हो जाएगी। आपने अगर किसी सेल को मर्ज करना हो, कितने भी सेल को मर्ज करना हो, उसके लिए आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। अगर सेल मर्ज करना है आल्ट ए और साथ एम की को प्रेस कर दें और ये सेल जो मर्ज हो जाएगा। मैंने आल्ट ए और एम को प्रेस किया और ये सेल मर्ज हो गया। इसी तरह आप सेल किसी को सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब इस सेल को आपने जोड़ना, इसमें सेल बनाने हैं, कई सेल बनाने हैं, तो यहाँ पे आप इसमें सेल भी बना सकते हैं, यानी कि कई कॉलम बना सकते हैं। आप कर्सर ले जाएं सिर्फ, तो यहाँ पे ये करें और जितने आपको कॉलम चाहिए इसमें उतने कॉलम यहाँ पे बना लें। मैं रो जो एक ही रहने देता हूँ ये जो है, और कॉलम मैं आपको बस पांच भी बना सकता हूँ, तीन बना सकता हूँ, चार बना सकता हूँ, जितने बनाने हो ये बना देगा, ठीक है। इसमें आप सेल भी बना सकते हैं और आप इनमें इसी तरह काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर आपको मर्ज करना हो तो वही आल्ट ए और एम का बटन प्रेस करें और ये मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, किसी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई टेक्स्ट लंबा हो तो आपको उसके लिए टेक्स्ट डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये तो कुछ तरीके इसके ट्रिक थे टेबल बनाने के। तो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में अगला लेसन पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेबल के बारे में सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, आपको टेबल में काम करना बहुत आसान हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ब्रेक के साथ।